अंधेरे को छोड़कर उजाले को अपनाना ही जीवन है। चलिए मिलके ज्ञान से जागृति लाएं। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम डॉक्टर आकाश आहूजा है। मैं यहाँ लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैंने अपना मेडिकल स्कूल दिल्ली से किया है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से, और मैंने अपनी साइकाइट्री की जो एमडी है वो यहाँ मिनियापलिस मिनेसोटा अमेरिका से ही की है। और स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। आज जो हम वीडियो करने जा रहे हैं वो हम उन लोगों के बारे में करने जा रहे हैं, उन लोगों के इश्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं, साइकाइट्रिक इश्यूज़ या मानसिक इश्यूज़ जो कि जिनकी हम बहुत ही इज्जत करते हैं, जो कि हमारे सीनियर्स हैं, जो कि हमारे माँ बाप भी हैं, जो कि हमारे शिक्षक भी रहे हैं, गुरु भी रहे हैं, हमारे पड़ोसी भी रहे हैं। और जब ये लोग खुश होते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और जब ये लोग उनको परेशानी होती है, दुख होते हैं, तो हमें भी दुख होता है। अब कुछ दुख तो हम लोग नहीं दूर कर सकते, कुछ तो वृद्धावस्था के साथ जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है कुछ तो दुख उनको आएंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे दुख जो कि साइकाइट्री जो कि मानसिक रोगों की वजह से आ रहे हैं, अगर हम उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखें और उन्हें भी जानकारी दें तो हो सकता है कि उनकी जो मानसिक हेल्थ है, जो उनकी साइकाइट्रिक हेल्थ है, वो बेहतर हो सके। वो बेहतर होगी तो वो बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और उससे ना सिर्फ वो लोग खुश रहेंगे बल्कि उससे पूरी कम्युनिटी, पूरा साम्राज्य, सोसाइटी और पूरा देश जो है वो अच्छा फील कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे चीज़ों या विषयों के बारे में। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास यहाँ पे कुछ स्लाइड्स हैं लेकिन वो अंग्रेज़ी में हैं, और मैं उन्हें ज़रूर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये वाला वीडियो जो है पूरा हिंदी में कर सकूँ। तो हम बात करते हैं रिटायरमेंट के बारे में। अब भाई हम सब सोचते हैं कि रिटायरमेंट तो बड़ी अच्छी चीज़ है, जब हम लोग रिटायर होते हैं तो हमें लगता है कि अब तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये बात शायद हम भूल जाते हैं कि रिटायरमेंट अपने में भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। रिटायरमेंट के अंदर हमें बहुत आराम तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बातें और ऐसी परेशानियाँ भी आ सकती हैं जिसके बारे में शायद हम बात नहीं करते। तो देखिए चलिए बात करते हैं रिटायरमेंट में और क्या हो सकता है। इंसान जो है वो खाली महसूस कर सकते हैं। वो सोचते थे कि भाई उन्होंने अपने काम पे बहुत सारे डिसीजन लिए, उन्होंने बहुत लोगों को काम पे रखा और उन्होंने बहुत सारे चीज़ें करी, लेकिन अब वो घर पे हैं, उनके पास इतना सारा समय है कि वो बहुत खाली और बोरियत महसूस कर सकते हैं। उसके बाद उनका जो रूटीन है वो अपसेट हो जाता है। वो सुबह उठते थे, नहाते थे, नाश्ता करते थे और काम पे जाते थे। अब उनके पास इतना टाइम है कि उन्हें लगता है कि अरे भाई वाह, मेरे पास तो इतना टाइम है, मैं तो अपनी लाइफ को इन्जॉय कर सकता हूँ, और शायद वो कर भी सकते हैं। लेकिन कई लोगों को ये जो है वो 10 दिन, 15 दिन या महीने तक अच्छा लगेगा, उसके बाद उन्हें काफ़ी बोरियत महसूस होती है अगर उनका जो रूटीन है वो मेंटेन ना रहे तो। उन्हें ये लग सकता है कि वो अपनी फैमिली, अपने परिवार और सोसाइटी पे एक भार है, बर्डन है, जो कि सही नहीं है। लेकिन जिस इंसान ने अपनी फैमिली को पाला पोसा हो इतने समय तक, कितने 30, 40, 50 सालों तक, और अब उसकी एकदम से इनकम जो है वो आधी हो जाए या बिल्कुल ख़त्म हो जाए, पेंशन जो मिलती है वो कम पूरी तनख्वाह के बराबर तो नहीं हो सकती है, तो वो कई बार उसको अपने बच्चों पे या दूसरे परिवार वालों पे थोड़ा रिलाय करना पड़ता है। तो ये उसके लिए बड़ी स्ट्रेसफुल चीज़ हो सकती है। एक इंसान की ईगो, एक इंसान के विश्वास, आत्मसम्मान के ऊपर वो एक नुकसान पहुंचा सकती है। उसका इन सभी चीज़ों की वजह से उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो अगेन जो है वो कम हो सकता है, और इन सभी कारणों की वजह से वो इंसान काफ़ी एंशियस और डिप्रेस्ड और दुखी भी हो सकता है। तो चलिए ये तो बात हुई कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इसका समाधान क्या है? जहाँ पे कोई समस्या है वहाँ समाधान तो होना ही चाहिए। तो चलिए उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं।
रिटायरमेंट की तैयारी करें। अब तैयारी कैसे करें? रिटायरमेंट की तैयारी ऐसे करें, अगर हो सके तो, कि एकदम से अगर आप 40 या 50 घंटे काम करते हैं हफ्ते में, सुबह से 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, तो एकदम से उसे जीरो ना कर दें, शून्य ना कर दें, सिफर ना कर दें, उसको धीरे धीरे कम करें। हो सकता है 40 घंटे से आप 20 घंटे काम करें, हाफ टाइम काम करें, पार्ट टाइम काम करें, खाली शनिवार इतवार को काम करें, या ताकि वो आप धीरे धीरे उस रिटायरमेंट की लाइफ में एडजस्ट हो सके। फिर आप अपनी आज़ादी कायम रखें, आप अपने दोस्तों से मिलें, आप अपने परिवार वालों से मिलें, परिवार की मीटिंग में मिलें, आप नए शौक़ पैदा करें। अगर आपका मन था कि आप अपने पोते के साथ क्रिकेट खेलें, उसी क्रिकेट टीम ज्वाइन करें, कुछ और करें, जिससे कि आपके एक सर्कल जो है वो खाली काम तक ही सीमित ना रह जाए। जहां आपके काम में आपको 50 लोग जानते थे, अब आपको वहां कोई भी नहीं जानता। तो ऐसा ना करें, और कोशिश करें कि रिटायरमेंट से एक साल पहले से ही इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर दें, कि आपका एक सर्कल उस काम के बाहर भी आपका एक सर्कल हो। फिर अपना आप दिन वैसे ही शुरुआत करें दिन की, जैसे आप जब आप काम करते थे वैसे करते थे। आप सुबह उठते थे, नाश्ता करते थे, नहाते थे, और उसके बाद आप काम पे जाते थे। अभी भी सुबह उठें और कुछ कार्य करें, बाहर जाएं, लोगों से मिलें। लेकिन अगर आप सारा दिन घर रहेंगे, आपकी इच्छा है आप रह सकते हैं, लेकिन अगर सारा दिन घर रहेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेशन और एन्जाइटी के शिकार हो सकते हैं। अपना बजट का प्लान करें, इस बात को मान के चलें कि अब आपके पास जितने पैसे थे शायद उतने पैसे नहीं रह पाएंगे। और अगर आप अपने आत्मसम्मान को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो इनफैक्ट रिटायर होने से करीब 4-5 साल पहले से ही इसकी प्लानिंग शुरू कर दें, कि भाई मेरा इतना खर्चा है और इसके बाद मुझे इतने पैसे मिलेंगे, तो मुझे धीरे धीरे उसको ऐसे पैसे खर्च करने हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप रिटायरमेंट को बेटर फेस कर सकेंगे। रिटायरमेंट आपने कमाई है, इसको इंजॉय कीजिए, इन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करें, शायद आप बेहतर महसूस करेंगे। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे हमें बहुत सारे रोग लग सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी, या लकवा मारना जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं अंग्रेजी में। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनको डील करना, जिनसे बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बीमारियां जो हैं वो लाइफ को चेंज कर देती हैं पूरी। लेकिन इनके साथ साथ अगर साथ में डिप्रेशन और एन्जाइटी और अलग तरह की मानसिक रोग भी साथ में अगर लग जाएं, तो इनको इनसे डील करना और मुश्किल हो जाता है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बात करते हैं डायबिटीज़ और स्ट्रोक के बारे में। तो पहले डायबिटीज़, तो देखिए जो रिसर्च है जो साइंटिस्ट लोगों ने करी है, उससे ये पता लगता है कि डायबिटीज़ की वजह से डिप्रेशन होने का जो चांस है वो डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। अब डिप्रेशन हो गया तो क्या होगा उससे? डिप्रेशन होने से बहुत बार ऐसा होता है कि जिस इंसान को डायबिटीज़ है वो ये सोचता है कि ठीक है तो है मुझे डायबिटीज़, लेकिन मैं अपनी दवाई नहीं लूँगा, मैं अपनी दवाई ठीक से नहीं लूँगा, टाइम पे नहीं लूँगा, जो एक्सरसाइज करनी है वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, जो उसे खाना खाना है जैसे खाना खाना है वो नहीं खाएगा, ज़्यादा मीठा खाएगा। इन सभी चीज़ों की वजह से उसकी जो ब्लड शुगर है वो बढ़ जाती है, और अगर जो ब्लड शुगर बढ़ जाती है, कंट्रोल में ही नहीं रहती, तो उससे उसको जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है, किडनी में प्रॉब्लम आना या अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आना, वो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। तो देखिए कैसे डिप्रेशन जो है वो डायबिटीज़ को और ख़राब बना देता है। तो फिर करें क्या? करना ये चाहिए कि अगर इंसान को लगे या उसके जो उसके चाहने वाले हैं उसे लगे कि किसी को डिप्रेशन है और साथ में डायबिटीज़ तो है ही, तो उसको चाहिए कि वो उसको चिकित्सक के पास, मानसिक चिकित्सक के पास ले जाएं, जो कि कोई ख़राब बात नहीं है। और बहुत सारी दवाइयां हैं और थेरेपी हैं, मेडिटेशन है, योगा है, वो सब चीज़ें अगर करें तो उससे उनकी जो डायबिटीज़ है और डिप्रेशन है ये दोनों ही कंट्रोल में रह सकते हैं। चलिए बात करते हैं स्ट्रोक के बारे में। तो स्ट्रोक जो है दोस्तों बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन स्ट्रोक होता क्या है, लकवा क्या होता है? लकवे में ये होता है कि हमारा जो दिल है वहाँ से बहुत सारी नाड़ियाँ निकलती हैं जो खून सप्लाई करती हैं हर एरिया में, और वही ले जाती हैं हमें हमारे दिमाग में भी। दिमाग में खून जाता है जिसकी वजह से हम फंक्शन करते हैं। अगर वो नाड़ी किसी तरीके से उसमें कोई रुकावट आ जाए,
अगर उसमें रुकावट आ जाए तो वो उस दिमाग के एरिया को खून जो है वो नहीं पहुंचा पाती ढंग से। जब वो खून नहीं पहुंचा पाती ढंग से तो इंसान कई बार चल नहीं पाता, कई बार वो चीज़ें महसूस नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता, दूसरों को अपनी बात समझा नहीं पाता। इसे लकवा कहते हैं। अब लकवा हो जाता है तो आप इमेजिन करिए, जिस इंसान ने ज़िंदगी भर चला हो, लोगों से बात की हो, नौकरी की हो, अपने परिवार का ख्याल रखा हो, अब उसे लकवा हो गया, वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता, वो लोगों से बात नहीं कर सकता, वो खाना नहीं खा सकता, उसे लेटना पड़ता है सारा टाइम, तो ये कितना बड़ा स्ट्रेस है। रिसर्च कहती है कि 50% लोग जो स्ट्रोक या लकवा के बाद जिंदा रह जाते हैं उनको डिप्रेशन हो जाता है। तो अगेन इसके लिए कुछ दवाइयां हैं, सिटेलोप्राम है, नॉरट्रिप्टलीन है और सर्ट्रलीन है। ये सारी दवाइयां जो हैं ये डिप्रेशन के को बचाने का कार्य करती हैं। अगेन योगा भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ग्रीफ या बिरीवमेंट की, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कोई अपने प्यारे इंसान जिसको हम चाहते हैं बहुत, जब उसको लॉस हो जाए, जब वो हमसे दूर हो जाए, खो जाए, ये तो सबकी ज़िंदगी में आ सकता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है वैसे वैसे ये जीवन की सच्चाई है कि वो अपना पार्टनर, अपना पति या पत्नी जो है वो खो सकते हैं और खोते भी हैं। तो उसको डील करना जो है, उसको फेस करना जो है, वो बहुत मुश्किल होता है। तो देखेंगे क्या क्या इंसान महसूस करता है। ऐसे लोग जो हैं वो सोच सकते हैं कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनका जो पार्टनर है वो उनसे खो गया है। कई बार वो इस रियलिटी को मानते ही नहीं हैं। कई बार वो दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरे को दोष देते हैं कि ये इसकी वजह से हो गया या उसकी वजह से हो गया। कई बार वो ऊपर वाले को भी दोष देते हैं। कई बार वो बहुत गुस्सा होते हैं कि भाई ये क्यों हो गया और ऐसे क्यों हो गया। कई बार वो बहुत आत्मग्लानी, गिल्टी फील करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं ऐसे कर देता या कर देती तो शायद मेरा पति या पत्नी बच जाता, या मैं ऐसा कर देता तो शायद बच जाता, या मेरी वजह से ऐसा हुआ है। और अंत में वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, कि मेरा ये लॉस हो गया है और अब मुझे अपना जीवन आगे बताना है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, ये नॉर्मल चीज़ है ये ग्रीफ। लेकिन कई बार ये ग्रीफ इतना लंबा खिंच जाता है कि इंसान बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है, और बहुत सारे केसेस में कई बार उस पार्टनर की भी तबीयत खराब हो जाती है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है अपने पार्टनर को खोने के बाद। तो ऐसे मौक़ों पर अगर कोई फैमिली वाला इंसान देखे कि भाई इस इंसान को बहुत ज़्यादा दुख है, परेशानी है, तो ये पॉसिबल है कि उन्हें डिप्रेशन है और उनका इलाज किया जा सकता है जिससे कि वो बेहतर ज़िंदगी बिता सकते हैं। दोस्तों आज मैंने सीनियर्स के बारे में बात की, जो कि बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि अगर सीनियर्स खुश होते हैं तो जैसा मैंने कहा कि हम खुश होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने कहीं, अगर आप उनको थोड़ा सा उनको गौर फरमाएं तो हो सकता है कि कुछ लोग उससे बेहतर हो जाएं, कुछ लोग अपना बेनिफिट प्राप्त करें, और वो मेरे लिए एक बहुत ही गर्व की बात होगी। धन्यवाद।